जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया इन दिनों रतलाम के दौरे पर है, जहां उन्होंने जिले के हालातों की समीक्षा करने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रतलाम दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जिले के हालातों की समीक्षा की। इसके साथ ही मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं मंत्री भदौरिया ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री भदौरिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा जी हमारे जिम्मेदार विधायक हैं, उन्होंने कहा होगा तो निश्चित रूप से सोच समझ के ही कहा होगा, पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और ये मैंने आज महाकाल महाराज से ये प्रार्थना भी की है कि एक तो हमारे क्षेत्र में कोई विपत्ति नहीं आए, सुख और समृद्धि रहे, दूसरा इन कांग्रेसियों को थोड़ी सद्बुद्धि जरूर दें, क्योंकि जब भी संकट आता है तब वो राजनीति करते हैं, कभी सहयोग की भावना उनके अंदर नहीं रहती। ये समय ऐसा है जब जनता संकट में, हमको मिलकर काम करना चाहिए जनता के हित में। इस दौरान मंत्री ओपीएस भदौरिया के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।